नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। उड़द की दाल और चने की दाल दोनों का अपना अलग अलग स्वाद होता है और अलग अलग टेक्सचर होता है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर बनाया जाए तो एक नया स्वाद और एक नया टेक्सचर पैदा होता है जो बहुत ही लाजवाब होता है। तो आइए आज हम उड़द चने की दाल बनाएं। देखते हैं उड़द चने की दाल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उड़द की दाल 100 ग्राम, चने की दाल 50 ग्राम, एक कप से थोड़ी सी कम जो हमने एक घंटे पहले भिगो के रख ली है। जीरा आधा छोटी चम्मच, हींग एक दो पिंच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच, खड़ा गरम मसाला एक इंच, दालचीनी का टुकड़ा, दो बड़ी इलायची, चार पांच काली मिर्च और दो लौंग, अदरक एक इंच टुकड़ा जो हमने बारीक काट लिया है, टमाटर दो और एक हरी मिर्च जो पीस लिए हैं, हरा धनिया बारीक कटा हुआ एक टेबल स्पून, नमक स्वादानुसार या एक छोटी चम्मच, लाल मिर्च एक चौथाई छोटी चम्मच से कम, गरम मसाला एक चौथाई छोटी चम्मच से कम, घी एक से दो टेबल स्पून। चने की दाल को कुकर में डालकर थोड़े से पानी के साथ नमक डालकर के उबाल लेंगे। ये दाल हमने कुकर में डाल दी और अब हम पानी डालेंगे। तो दाल में लगभग दो कप पानी डाल दें या फिर दाल अच्छे तरीके से डूब जाए, बस करीब आधा इंच ऊपर पानी रहे, और नमक और दाल को कुकर में बंद कर देंगे। ये कुकर का ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने के बाद दाल को दो मिनट तक धीमी आग पर पकने देंगे। ये दाल पक जाएगी। आ गई है और अब हम गैस धीमी कर देंगे और दो मिनट तक धीमी आग पर दाल को पकने देंगे। दो मिनट हो गए हैं और दाल बन गई है। अब हम कुकर हटा देंगे। जब तक कुकर का प्रेशर ख़त्म होता है तब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। तो कढ़ाई गरम करेंगे और कढ़ाई में घी डालेंगे। दाल में एक से दो टेबल स्पून घी डाल सकते हैं। दाल घी में ही बहुत अच्छी बनती है, तो आप जितना पसंद करते हो उतना घी डाल लीजिए। घी गरम हो गया और अब हम हींग जीरा डालेंगे। हींग जीरा भुन गया और अब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद धनिया पाउडर। अब ये टमाटर और हरी मिर्च का पिसा हुआ मसाला, खड़ा मसाला और ये अदरक। ये सबको हम अच्छे तरीके से घी तैरने तक भूनेंगे। मसाले भूनने में करीब दो तीन मिनट लग जाएंगे। मसाला अगर अच्छे से भुन जाता है, घी मसाले के ऊपर तैरने लगता है, तो दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। दाल में हम खड़ा गरम मसाला तुरंत कूट करके, दरदरा कूट के डालते हैं, जिसमें दो हमने बड़ी इलायची, चार पांच काली मिर्च, एक इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा और दो लौंग। ये दरदरे कूटे मसाले से बहुत अच्छा स्वाद आता है दाल में, तो ये हमेशा ताज़ा कूट कर डालें। पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे, तो दोनों को हम आधा आधा बांट लेते हैं। जैसे कि एक चौथाई छोटी चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, उसकी जगह पिसे हुए गरम मसाले को थोड़ा कम कर देंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच से बिल्कुल आधा कर देंगे, और ये थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला तुरंत कूट करके डालेंगे, तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसाला हमारा भुनने वाला है और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला देंगे और एक मिनट और मसाले को भून रहे हैं। देखिए बिल्कुल मसाले के ऊपर घी अलग से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है,
हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है और इधर कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। मसाले में तड़का में दाल को मिला देंगे, दाल तैयार हो जाएगी। उड़द की दाल को एकदम मैस नहीं होने देते, थोड़ा सा खड़ाई रखते हैं। मैस होने के बाद फिर ज़्यादा लसलसापन आ जाता है और स्वाद भी उतना अच्छा नहीं रहता, तो उड़द चने की दाल थोड़ी सी खड़ी रहेगी। पक गई हो पूरी तरीके से लेकिन एकदम मैस ना हो। तो ये हमने तड़के में दाल मिला दी और जितना पानी अब हमें चाहिए दाल के हिसाब से, जितनी गाढ़ी दाल हमें खानी है उसके हिसाब से हम इसमें पानी मिला लेंगे। सारे मसाले अच्छे तरीके से चलाते हुए पूरा मिला देंगे। अब हम दाल को ढक करके 2-3 मिनट तक पकने देंगे ताकि सारे मसाले दाल के अंदर तक जज्ब हो जाए और दाल बन जाएगी। पूरे 3-4 मिनट हो गए हैं और अब हमारी ये दाल भी कुक हो गई है। बहुत तेज़ खुशबू आ रही है और दाल देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। अब हम दाल में थोड़ा सा गरम मसाला और ये हरा धनिया डाल के मिला देंगे। हरा धनिया और गरम मसाला सबसे एंड में मिलाते हैं ताकि इनकी खुशबू ज़्यादा महके। तो ये हमारी उड़द चने की दाल एकदम तैयार है। उड़द चने की दाल तैयार है। ये दाल हमने 150 ग्राम उड़द चने से बनाई है और इतनी दाल परिवार के 4-5 सदस्यों को परोसी जा सकती है। उड़द चने की दाल को चपाती, नान या दाल चावल के साथ परोसिए। आप उड़द चने की दाल बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।